चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। अच्छा अच्छा अरे भाई नैयर इजाज चौथी शादी मुबारक हो। नई वाली भाभी को लेके मेरे घर जरूर आ रहे, तुमने वादा करो मेरे साथ है? अच्छा चलो 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 एंजॉय द लाइफ करो ओके। अरे नबील तुम्हें मेरा वो दोस्त याद है नैयर इजाज? हाँ हाँ, जिन्हें डॉक्टर ने 4-5 महीने की मोहलत दी थी, क्या हुआ चल बसा। अरे नहीं भाई, वो अपने चौथे हनीमून पे अमेरिका गया हुआ है। क्या? हाँ, अरे नबील बड़ी अमीर बेवा से शादी की है उसने। आपके दोस्त भी तो आप जैसे ही होंगे ना महमूद साहब। हाँ बड़ा ही मासूम आदमी है। मासूम नहीं घटिया, आप लोगों को इस उम्र में शर्म आनी चाहिए महमूद साहब। जाए 2 किलो टिंडे लेके आए। अरे मुझे टिंडे विंडे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। क्यों? टिंडो की शक्ल आपसे मिलती जुलती है इसलिए। ओ भाई माँ जी ने टिंडे मंगाए हैं तो टिंडे ही आएंगे यार। आप एक काम करें, आप इसमें से जो पैसे बाकी बचेंगे ना वो रख लीजिएगा। कितने पैसे बचेंगे बाकी? 10 रुपए। हाँ और सारे इकट्ठे नहीं खर्च करने, चले जाए अपने जैसे टिंडे लाइएगा, ताजा खस्ता और लजीज। आप कौन है? मैं बेगम। किसकी? जिनकी थी वो तो छोड़कर चले गए। अच्छा कब? 100 साल हो गए। क्या? हाँ आप तो ऐसा ही लगता है कि सालों से तन्हा हूँ। वैसे आप मुझे आरजू बोल सकते हैं। आप कौन? आरजू? मैं ना महमूद साहब हूँ, ये यही करीब में रहता हूँ। लेकिन आपको मैंने यहाँ पहली मर्तबा देखा है। आप कहाँ रहती हैं? मेरा घर यहाँ गली के कोने पर ही है। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन आपके पास तो गाड़ी नहीं है। पैदल छोड़ देता हूँ कंपनी से। अच्छा चले। महमूद आप बहुत अच्छे हैं, आपको देखकर मुझे मेरे मरहूम बेवफा शोहर की याद। अच्छा लेकिन मैं बिल्कुल भी बेवफा नहीं हूँ, आप चाहे तो मुझे आजमा सकती है। ये मेरा ना फोन नंबर है, आप रख लीजिए अपने पास, एक मिस कॉल देंगी और ये मैं हाजिर। आप मुझे मिस कॉल नहीं भी देंगे तो भी मैं हाजिर जी। मेरा घर आ गया, मैं चलती हूँ, बाय बाय। अंदर चली भी गई इतनी जल्दी? हाँ आरजू जी का नंबर नहीं लिया ना मैंने। खैर चलो कोई बात नहीं, घर तो मैंने देख ही लिया है, आता जाता रहूंगा। बाय आरजू बाय। हेलो। हेलो मैं आरजू बात कर रही हूँ। आरजू तुम कितनी प्यारी हो। आप बहुत ही नफीस हैं। नहीं नहीं मैं नफीस नहीं हूँ, मैं महमूद हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नफीस पसंद है ना तो मैं आज से नफीस हूँ। आप बहुत ही फनी हैं। अब वैसे काश आप मुझे पहले मिले होते महमूद, तो मैं इतनी तन्हा ना होती। अरे भाई मेरे होते हुए आप तन्हा कैसे हो सकती हैं? आप एक काम करें, आज लंच मेरे साथ करें, मैं अपने हाथ से खाना बना के खिलाऊंगा आपको। मैं खाना नहीं खाती। अच्छा तभी आप इतनी स्मार्ट हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आप मिलने तो आ सकती है ना, ये 3 घर छोड़ के ही मेरा गरीब खाना है। ठीक है मैं अभी आई। मुमताज? ये मुमताज कौन है? नहीं नहीं वो मेरे छोटे भाई का नाम है। आप आइएगा जरूर फिर। खुदा इश्वाक, आपका कोई छोटा भाई भी है जिसका नाम ममताज हो तो मुझे तो आपने बताया ही नहीं। अरे मोमो तुम्हें कहाँ याद रहता है। अच्छा छोड़ो, चाय पानी का इंतजाम करो, मेरे बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं। कौन? आपकी छोटी बहन फिरजाना तो नहीं आ रही? लुकमान? महमूद। अच्छा महमूद की छोटी बहन फिरजाना आ रही है। ओ जानू मेरा यकीन करो यार, मैंने एक एक पाई का हिसाब दे दिया तुम्हें यार। माँ जी महमूद साहब ही नजर आ रहे हैं यार अपने बड़े सारे मुंह के साथ। उधर वो रफाकत की बहन आ रही है उनसे मिलने के लिए। महमूद साहब ने बताया ही नहीं है कि उनकी बहन आ रही है। नबील ये अचानक से रातों रात उनकी बहन कहाँ से आ गई है? मैं बता रही हूँ कोई नहीं आएगा मिलने। महमूद साहब आपकी बहन कहाँ से मिलने आ गई, आपने तो बताया नहीं। अरे कोई बहन बहन नहीं है मेरी, वो सहेली है, दोस्त है,
चाय पीने आ रही है मेरे पास शाम को। महमूद साहब, ये उम्र आपकी दोस्तियां करने की नहीं है, सहेलियां बनाने की नहीं है, अल्लाह अल्लाह करने की है। मैं आपको 2-3 महीनों में उम्र पे लेके जाऊंगा। तुम अपनी हद में रहो। आप भी अपने उसमें रहे शुकूर। महमूद, आप भी अपने महमूद में रहे शुकूर। ज्यादा चक चक करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके अच्छी सी चाय बनाओ, मैं बाहर लॉन में उसका इंतजार कर रहा हूँ। नबील, मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। ओ माँ जी, आपको महमूद साहब पे नजर रखनी चाहिए यार। चल हट, मैं पराए मर्दों पे नजर नहीं रखती कफील। महमूद साहब आपके शौहर हैं माँ जी। पर मेरी शादी तो हुमायूं सईद से हुई थी जमीला। खूबसूरत? हाँ भाई, बड़ा खूबसूरत हसीन आदमी है तेरा ससुर। चाहने लगी है। जी सरताज। सरताज? जी हाँ, आज से आप मेरे सरताज हैं। मैं पहले ही समझ गया था कि तुम मुझ पर मर मिटी हो। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि जो मुझे एक बार देखती है ना, मुझ पे मर मिटती है। सच कहा आपने, मैं वाकई मर चुकी हूँ। जी हाँ जी, मेरा मतलब है कि मैं आप पर मर चुकी हूँ सरताज। एक मिनट आरजू, इससे पहले कि तुम मुझे शादी का कहो, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब मेरी एक अदद ना भैंस नुमा बीवी है। कोई बात नहीं सरताज, मुझे आपकी पहली बीवी भी कबूल है। सच? जी। बस ठीक है, फिर हम आज ही निकाह कर लेते हैं। लेकिन आरजू, शादी के बाद मैं आपके साथ आपके बंगले में रहूंगा। जो हुक्म सरताज। ओए सत के जाओ। ये मेरी आरजू है, मेरी आरजू है। अब और ये आरजू कहाँ चली गई? देखा ना, तुम्हारे डर की वजह से मेरी आरजू भाग गई है। मुस्तकीम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने वो निकलेंगे। वो क्या? वो जो मेरा बेटा आपको कहता है। बाप? नहीं नहीं, वो जो कफील आपको कहता है ना। अरे नाम मत लो उस घटिया इंसान का। हाँ घटिया, आप कितने घटिया निकले मुस्तकीम। अरे दूसरी शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है? तुम दोनों हंसी खुशी मिलके इकट्ठे साथ भी तो रह सकते हो। अफ्तखार, मैं आपको दूसरी खुदकुशी की इजाजत नहीं दूंगी। खुदकुशी नहीं, मैं शादी कर रहा हूँ मोमो, और वो भी आज ही। नहीं। उत्ती। उई। आरजू। लील कफील, पता वो कमरुद्दीन फिर से वही कर रहे। वो क्या? वही जो तूने अकीला के साथ किया था। धोखा? खूबसूरत, धोखा मैंने नहीं किया, तुमने और पापा जी ने मेरे साथ किया है। ज्यादा उन्होंने कहा था कि सब कुछ उनका जो है वो हम दोनों का होगा। क्या उन्होंने ऐसा कब कहा था? मेरे कान में निकाह के वक्त। हाँ निकाह, पुत्र वो बशीर दूसरा निकाह कर रहे। ओ माँ जी, आप टेंशन ना लें यार, बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े ही नजर आते हैं। पुत्र मैं बिल्ली की नहीं, वो बड़े मुंह वाले नाग की बात कर रही हूँ। ओ माँ जी, करने दें यार उसको शादी, आपका बेटा अभी जिंदा है, मैं आपकी शादी करवाऊंगा किसी हैंडसम खूबसूरत और छोटे मुंह वाले आदमी से। अच्छा तो पुत्र फिर फहद मुस्तफा कैसा रहेगा? मैं कह तो सोच ले माँ जी। नबील, मैं इस घर में महमूद साहब की दूसरी बीवी हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मेरी जानू? शट अप नबील। ओके जानू, मैं समझ गया जानू, मैं अभी महमूद साहब की अगर ठिकाने लगा गया तो माँ जी आप टेंशन ना ले, बैठे।
माँ जी हौसला रखिए। हाँ अली इमरान, अरे कान खोल कर सुन ले मेरी एक बात, मेरी शेरवानी एकदम जबरदस्त होनी चाहिए, नाप तो तू ले गया था ना, हाँ बस बहुत आला नस्ल की होनी चाहिए। और सुन, गाजी साहब का बंदोबस्त करके रखी और चार गवाह भी तैयार रखने हैं, मैं शाम को तेरी भाभी को लेके वहां पहुंच जाऊंगा। हैं? महमूद साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। हाँ यार, शेरवानी पहनते हुए मुझे तो बहुत शर्म आएगी नबील, लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हारी होने वाली माँ जो है ना, उसकी ख्वाहिश है कि मैं शेरवानी पहनूं। माँ? हाँ भाई, जाहिर है मैं तुम्हारा सौतेला बाप हूँ और मेरी जो होने वाली बीवी है तुम्हारी होने वाली माँ ही लगेगी ना। महमूद साहब, मेरा मतलब है कि आपको शर्म ही नहीं आई माँ जी को इतना बड़ा धोखा देते हुए? अरे भाई, मैं तो सब आपकी नीयत से ये निकाह कर रहा हूँ। अरे वो अमीर बेवा है, अरे शादी के बाद मैं उसका कारोबार संभालूंगा, पैसा संभालूंगा। मेरी माँ ने सारी जिंदगी आपके बड़े सारे मुंह को बर्दाश्त किया, उसके बदले में आपने उनको क्या दिया, एक और निकाह? अच्छा तो बोलो क्या चाहिए तुम लोगों को? अगर आप चाहते हैं महमूद साहब कि हम आपको हंसी खुशी इस घर से रुखसत करें, तो आपको हमारे लिए 10 लाख निकलवाने होंगे उनसे। जाओ 20 दिए, ठीक है, लेकिन अब मुझे इस शादी में किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं चाहिए नबील। मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को लेके आऊंगा, कुछ दिन यहाँ कयाम फरमाऊंगा और उसके बाद मैं उसके साथ चला जाऊंगा। ठीक है महमूद साहब, आपके बदले 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं छोटे छोटे मुंह वाले 4-5 एक्टर डाल लूंगा। ओके, डील डन। डन 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 डन। माँ जी बस भी करें यार। उधर मेरा मियां दूसरी शादी करना जा रहा है, तो तू मुझे रोने भी नहीं दे रही है? माँ जी, मैं आपको रोने से नहीं खाने से रोक रही हूँ यार, पहले ही आप पूरी पतीली खाली कर चुकी हैं, इस तरह तो आपको हैजा हो जाएगा। अच्छा पुत्र, तो बस ये आखिरी बोटी और खा लूं प्लीज। माँ जी खूबसूरत, माँ जी खूबसूरत, फैसला हो गया। क्या फैसला हुआ है वकील? माँ जी पूरे 20 लाख की डील हुई है महमूद साहब से। कैसी डील नबील? जानू, हम खुशी खुशी महमूद साहब को इस घर से रुखसत करेंगे और उनके होने वाली दुल्हन हमें 20 लाख रुपए देगी। 20 लाख? हाँ जानू, 20 लाख तो बहुत ज्यादा रेट निकला है महमूद साहब का, उनके तो 20 रुपए को नहीं दे रहा था। ओए, अपनी माँ का शौहर 20 लाख में बेचा है नबील। माँ जी, पर नहीं, मैंने तुझे जलील कहा है अकील। माँ जी मेरी बात समझने की कोशिश करे, 20 लाख रुपया मिलेगा, फिर हम माँ बेटा दोनों मिलकर कोई कारोबार शुरू कर लेंगे। मैं अपने मियाँ को 20 लाख में नहीं बेच सकती वकील, साथ में 20 तोले सोना भी लूंगी। माँ जी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पत्र, और दिस इज द वर्ड टेक्स यूड आउटसाइड, कांग्रेचुलेशंस। ये तुम बार बार कहाँ गायब हो जाती हो? सरताज, मैं शादी की तैयारियां करने चली गई थी। शादी की तैयारियां तो मैंने भी कर ली हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया है, वो जो मेरी बीवी और उसका बेटा है ना, वो मुझसे 20 लाख रुपए मांग रहे हैं, अगर उन्हें नहीं पैसे दिए ना तो उन्होंने बहुत हंगामा खड़ा करना है। सरताज आप फिक्र ही मत करे, 20 लाख रुपए तो आपके कदमों की धूल है। सच? हाँ, वो आओ फिर अंदर चलकर शादी की रस्मात शुरू करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे बाजी कहे? अभी तेरा मुंह धुलवा दूंगी तो मुस्तकीम की चीखें निकल जाएंगी। मुस्तकीम कौन? लो जी, दुर्दाना देख ले, जिससे शादी हो रही है उसको नाम ही नहीं पता इसको। खूबसूरत माँ जी। न तुझे ये डैंग खूबसूरत लग रही है? नबील तुम इन्हें समझाओ यार। माँ जी कंट्रोल करे, हमने 20 लाख की डील की है यार, खुशी का गाना गाए, खुशी का गाना। गा पुत्र। पत्ते दे कितने कितने वाल मेरे मन रे दे, पत्ते दे कितने कितने वाल आइए महमूद साहब। मैं लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई।
मोमो बहन क्यों डाल रही हो? अरे भैया आज तो खुशी का दिन है। क्यों? क्या आज आपको वो आ रही है क्या? वो क्या? वही जिसके बाद आपकी आंखें बंद हो जानी है। नींद? अरे आज नींद कहाँ आनी यार। ओ महमूद साहब यार शर्म करें, कुछ हया करें। आपके सर पे मौत का फरिश्ता है और आपकी बातें सुन ले। हाँ हाँ मौत काशफ, क्या आज आपको मौत आ रही है? अरे भाई तुम लोग तो बहुत ही बोर कर रहे हो मेरी नई नवेली दुल्हन को। चलो उठो, रास्ता दो, मैं प्राइवेसी दो कुछ थोड़ी सी। ले ले ले, पकड़े अपनी प्राइवेसी, पकड़े प्राइवेसी। आओ आरजू हम अंदर चले, आओ आ जाओ। पकड़ो जाने ना मेरे, माँ जी कंट्रोल करे, कंट्रोल करे माँ जी। आरजू, आज मेरी बरसों पुरानी आरजू पूरी हो रही है। मेरी भी। मैं चाहता हूँ कि तुम मरते दम तक मेरे साथ रहो। आप फिक्र क्यों करते हैं सरताज, हम तो मरने के बाद भी साथ रहेंगे। मुमताज तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मैं ना आपके लिए जूस लेकर आई हूँ इश्फाक। अरे भाई ये दूध है। हाँ ये तो वाकई दूध है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। आप भी मेरे साथ चलें इफ्तिखार। ये तो महमूद है बहन। ओए मैं इनकी बहन नहीं, वो हूँ चुड़ैल। अच्छा तो तुम भी चुड़ैल हो। चुड़ैल मैं तुझे कह रही हूँ, आप चले जहेब जरा मेरे साथ। अरे मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे मामा। नहीं छोड़ो, अरे अरे छोड़ो। मुझे जाने दो मोमो, मुझे छोड़ दो मोमो। मोहब्बत आग का दरिया और तू बबल है, न जाना जल जाएगा। कहाँ फंस गया हूँ मैं? तेरा काम ही है चलते जाना, तेरे सामने आज नहीं है बस तेरा कल। पैरों को जमाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा, और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। ओ चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते। आजू 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 कहाँ चली गई? अरे इतनी नाराज हो के अपने घर वापस तो नहीं चली गई? वहां देखता हूँ आजू। बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा, बाबा सही। तुम कौन हो? भाई मैं आरजू का शौहर हूँ जो इस बंगले की मालकिन है। क्या? अरे बाबा जो इस बंगले में औरत रहती थी उसको तो कई साल हो गए मरे हुए। क्या? हाँ इस बंगले की तो कहानी बहुत मशहूर है। यहाँ जो औरत रहती थी उसके शौहर ने उसके साथ बेवफाई की थी, बस इसी गम में उसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी? हाँ लोगों का कहना है उसकी रूह आज भी भटकती है, वो बेवफा मर्दों को ना जिंदा नहीं छोड़ती। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया।